ਸੀ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ये बार बार बोल रहे हैं कोई घोटाला हो गया और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने घोटाला कर दिया और 100 करोड़ रुपए खा लिए। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा घोटाला है जिसमें पिछले एक साल से ये लोग जांच ही जांच करे जा रहे हैं। 1000 से ज़्यादा अफसर इनके जांच में लगे हुए हैं। 450 से ज़्यादा जगहों पर रेड हो गई, 600 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हो गई, लेकिन अभी तक 100 करोड़ तो छोड़िए, 100 रुपये का नया नोट नहीं अभी तक भाजपा की एजेंसियाँ मिल ढूंढ पाई। अगर घोटाला हुआ 100 करोड़ का तो वो 100 करोड़ कहाँ गए? आम आदमी पार्टी के सभी साथी सांसद मंत्री हमारे पंजाब कैबिनेट के मंत्री दिल्ली कैबिनेट के मंत्री राज्यसभा सांसद तमाम MLAs बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे CBI हेडक्वार्टर्स के बाहर कोने में शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन शायद मोदी साहब की हुकूमत को ये गवारा ना था। उन्होंने दिल्ली पुलिस को हुक्म फरमान जारी किया कि इन्हें पकड़ के जेल में डाल दो और दिल्ली पुलिस के हज़ारों पुलिस कर्मियों ने आकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को हम सबको पकड़ के बस में डाला, जेल में यहाँ लेकर आए हैं, नजफगढ़ थाने में हम लोगों को यहाँ इन लोगों ने डिटेन किया हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल फोबिया का शिकार है, BJP को केजरीवाल फोबिया है। इतना डर है अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को ख़त्म करने का। आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल जी के एक एक करीबी साथी को पकड़ के जेल में डालने का और अब अति हो गई है। अब BJP का पाप का घड़ा भर चुका है और अब उन्होंने CBI और ED का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को समन किया। जो भी लाखों करोड़ का काला धन अडानी की कंपनी में लगा है, दरअसल ये मोदी जी का पैसा है, इसी से बौखलाए हुए हैं। लेकिन अगर वो सोचते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों से हम लोग रुक जाएंगे तो रुकने वाले नहीं हैं। आप देखिए कि पंजाब सरकार के तमाम मंत्री, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री, हमारे राज्यसभा के सांसद, उनको उठा के पकड़ के ला के गिरफ्तार करके यहाँ थाने में बिठा रखा है। क्या अपराध है हमारा? यही कि हम अडानी के घोटाले में JPC की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में जो मोदी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो उजागर हो, तो वो उजागर होकर रहेगा और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मकसद केजरीवाल जी की जांच नहीं है, क्योंकि ये तो जांच फर्जी है। 6 लोग अब तक लिख के दे चुके हैं न्यायालय में कि जो भी बयान ED के द्वारा लिया गया वो जबरन गन पॉइंट पर लिया गया। किसी की बेटी को धमकाया गया, किसी की पत्नी को धमकाया गया, किसी के बूढ़े माँ बाप को धमकाया गया, एक आदमी का कान का पर्दा फाड़ दिया गया, हाईकोर्ट में गया है। तो ये कौन सी जाँच है? तो जांच मकसद नहीं है, मकसद है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के केजरीवाल जी के मॉडल को रोकना।